नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नमन। पहले तो मुंबई पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में टाइगर दिशा पर एफआईआर की और अब लोगों को जागरूक करने के लिए इन एक्टर्स पर तंज कसा है। मुंबई पुलिस ने इन स्टार्स की फिल्मों के नामों को लेकर ट्वीट कर सभी को समझाया। वायरस के खिलाफ जारी जंग में बांद्रा की सड़कों पर मलंग बनना दो एक्टर्स को महंगा पड़ गया। दोनों के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। हम सभी मुंबई वासियों से अपील करते हैं कि बेकार में हीरोपंती ना करें, जिससे कोविड-19 के सुरक्षा नियमों में चूक। कई दिनों से कार्तिक आर्यन फिल्मों से बाहर होने की वजह से चर्चा में है। पहले करण जौहर ने दोस्ताना 2 से बाहर किया और बाद में शाहरुख ने भी अपनी फिल्म से कार्तिक की छुट्टी कर दी। मीडिया गलियारों में ऐसी खबरें हैं कि एक्टर के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने भी एक्टर के सपोर्ट में ट्वीट कर कहा है कि कार्तिक आर्यन के खिलाफ कैंपेन चल रहा है जो गलत भावना के तहत चलाया जा रहा है। मैं कार्तिक की चुप्पी की इज्जत करता हूं। मनोज बाजपेयी और समांथा अकिनेनी की वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 प्राइम वीडियोस पर रिलीज हो गई है। वेब सीरीज के क्रेज को देखते हुए मेकर्स ने इसे तय समय से पहले ही रिलीज कर दिया था। वेब सीरीज को दर्शकों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वेब सीरीज के पहले पार्ट की भी काफी सराहना की गई थी। सलमान कैटरीना की फिल्म टाइगर 3 पर भी बुरा असर पड़ा है। काफी टाइम से लटकी पड़ी फिल्म की शूटिंग के चलते मेकर्स को काफी नुकसान हो रहा है, लिहाजा फिल्म के सेट को तोड़ दिया गया है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग अब कब शुरू होगी फिलहाल ये तय नहीं है। फिल्म में इमरान हाशमी भी विलन के किरदार में नजर आएंगे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जेल की हवा खा चुकी रिया चक्रवर्ती जल्द ही बिग बॉस सीजन 15 में नजर आ सकती हैं। इस कंट्रोवर्शियल शो में हमेशा से ही ज्यादातर विवादित कंटेस्टेंट्स आए हैं, ऐसे में रिया का नाम भी शो के लिए चर्चा में आ गया है। पिछले साल भी रिया के शो में जाने की चर्चा थी। एक्टर विवेक ओबरॉय अक्सर जरूरतमंदों की मदद के लिए खड़े रहते हैं और वो तमाम सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कोरोना के इस कठिन समय में भी वो मदद के लिए आगे आए हैं। विवेक ओबरॉय ने कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए फंड रेजर में 25 लाख का योगदान दिया है। विवेक के अलावा कोरोना काल में कई और ऐसे स्टार्स हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। रणवीर सिंह आलिया भट्ट की जोड़ी को गली बॉय में काफी पसंद किया गया था। अब करण जौहर इस जोड़ी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स हैं कि वो अपने नए प्रोजेक्ट में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को साथ लाने जा रहे हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी। मेकर्स इस फिल्म का टाइटल प्रेम कहानी रखने की प्लानिंग कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा के हाथ एक बड़ी फिल्म लग गई है। वो जल्द ही रितेश देशमुख के साथ एक हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगी। काफी टाइम से सोनाक्षी किसी बड़ी हिट फिल्म देने का इंतजार कर रही हैं, ऐसे में ये फिल्म उनके करियर को पटरी पर लाने के लिए काफी अहम साबित हो सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। इस दौरान उनके पति विराट कोहली भी उनके साथ थे, लेकिन एयरपोर्ट पर अनुष्का ने अपनी बेटी वामिका को जिस तरह से पकड़ा हुआ था उसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए। लोगों ने कहा अनुष्का ने जिस तरह से बेटी को पकड़ा है उससे उसका दम घुट सकता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि कोरोना काल में वामिका को घर से बाहर लेकर जाना ठीक नहीं। कोरोना काल में कई सितारे माता पिता बन चुके हैं। अब अपार शक्ति खुराना का नाम भी इस लिस्ट में शामिल होने वाला है। अपार शक्ति खुराना की पत्नी जल्द ही मां बनने वाली हैं। इस बात का खुलासा खुद एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करके किया है। अपार शक्ति खुराना ने फोटो शेयर कर लिखा, काम तो एक्सपेंड नहीं हो रहा है, ऐसे में मैंने सोचा कि हम फैमिली ही एक्सपेंड कर लेते हैं। अपार शक्ति खुराना की ये पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता शुरू हो गया है।